अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नरीश एंड आई एम योर मैथ टीचर क्लास टू काउंटडाउन। टुडे वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज दैट व्हाट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे, टेकिंग अवे ले लेना। द आंसर टेल्स अस हाउ मच इज लेफ्ट। जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, वो हमें बताएगा कि कितना बाकी रह गया है। यहाँ पे एग्जांपल है, आरवर हैज़ 5 पॉइंट्स, इफ़ वी टेक अवे 2 ही हैज़ 3 लेफ्ट। आरवर के पास 5 पॉइंट्स थी जिनमें से हमने 2 ले ली। जब हम ने 2 ले ली तो उसके पास 3 लेफ्ट रह गई। यानी कि जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेंगे और उसके पास जो बाकी रह जाएगा वो आपका सब्ट्रैक्शन होगा, आपका आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टर्म्स यूज्ड इन सब्ट्रैक्शन, माइनस, लेस, डिफरेंस, डिक्रीज, टेक अवे, डिडक्ट, ये वो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर पेज नंबर 41। सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है, टी स्टैंड्स फॉर टेंस, ओ स्टैंड्स फॉर वंस। सबसे पहले आपने देखना कि आपको ऊपर नंबर क्या प्रोवाइड किया गया है। हमेशा क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। आपको यह नंबर दिया गया 8, देन दिया गया 6। आपने ऊपर वाले नंबर से, जो अपर नंबर है, उसमें से लोअर नंबर को कट करना है। सबसे पहले लिखना 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने 8 लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। 8 में से आपने कितना कट करना है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कट हो गया, रिमेनिंग कितनी आएगी, 1, 2। आप यहाँ लिखेंगे 2। देन यहाँ पर टेंस वाले कॉलम में 3 है, आपने क्या करना है, 3 लाइन्स ड्रॉ की, कितना कट करना है, 1, तो 1 कट हो गया, 1, 2, आपके पास रिमेनिंग में आ गई 2। यहाँ पर हम ये सी पार्ट देख लेंगे। यहाँ वंस वाले कॉलम में है 4 एंड 1, अपर नंबर 4 है, तो हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, देन यहाँ 1 है, आपके पास 1 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 कट करना है, 1, 2, 3, मेरी नंबर जाएगी 3, यहाँ पे आप लिख देंगे 3। देन आपने 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से आपने 4 को कट कर देना है, 1, 2, 3, 4, रिमेनिंग रह गया 1। अब हम ये जी पार्ट देख लेंगे। यहाँ पे वंस वाले कॉलम में लिखा हुआ है 7 एंड देन 0। जब भी आप अपर नंबर में से लोअर नंबर में 0 कट करेंगे तो वह नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी कि 7 को आप ऐसे ही लिख देंगे। 7 में से 0 कट हो ही नहीं सकता, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे। देन क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ 0 है। यहाँ पर 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से 3 कट करने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, रिमेनिंग कितने नंबर जाएंगे, 3। इसमें बी, डी, ई, एफ और एच पार्ट सेम है, जो आप बुक पर खुद होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ सब्ट्रैक्शन टू आंसर दीज। यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, यानी कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए पार्ट है, देर आर 28 फ्लावर्स इन अ बास्केट, 16 आर यूज्ड फॉर अ गार्लैंड, हाउ मैनी आर लेफ्ट। आपके पास टोटल फ्लावर्स है 28, ठीक है, 16 आपने यूज़ कर लिए गार्लैंड यानी कि हार बनाने में, 16 यूज़ हो गए। जो चीज़ यूज़ होगी टोटल में से वो कम होगी, यानी कि फर्स्ट आप लिखेंगे टेंस देन वंस। आपके पास टोटल फ्लावर्स कितने थे, 28, तो आप यहाँ लिखेंगे 28, यूज़ कितने की, जो यूज़ होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। टोटल फ्लावर्स 28 है, 16 आपने यूज़ कर लिए, अब आपने बताना है कि कितना लेफ्ट रह गया है। देन आपने क्या करना है, 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एट में से कितना कट करना है, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। देन टू नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, वन टू, कितना कट करना है, वन रह गया, कितना, वन, यानी कि ट्वेल्व रह गया है। जो आप यूज़ कर लेंगे वो कम हो जाएगा। लेफ्ट में हमारे पास आंसर क्या आया, ट्वेल्व। पार्ट बी भी ऐसी है, लैला हैज़ 59 रैबिट्स, 18 होप अवे, हाउ मैनी रैबिट्स आर लेफ्ट, उसके पास 59 रैबिट्स थे टोटल, होप अवे यानी कि चले गए, जंप किए और चले गए। अब आपने बताना है कि उसके पास कितने लेफ्ट रह गए। सबसे पहले आप टोटल रैबिट्स लिखेंगे, फिर जितने होप अवे हुए वो 18 हुआ लिखेंगे, उनको डिडक्ट करके इसका आंसर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।